आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली के रानीबाग आर्य समाज मंदिर में पहुंचे सिक्किम राज्यपाल। आर्य समाज को सिक्किम राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा दी गई स्कूल और बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन, साथ ही साफ बिल्डिंग बनाने में भी सिक्किम सरकार द्वारा किया जाएगा सहयोग। 10 से 2 साल के अंदर सिक्किम के आदिवासी बच्चों के लिए गंगटोक में ही तैयार होगा स्कूल, जहां आर्य समाज द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को दी जाएगी शिक्षा दीक्षा। आदिवासी क्षेत्र से आकर दिल्ली में वेदाचार्य और शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों से सिक्किम के राज्यपाल ने की मुलाकात। राजधानी दिल्ली में आर्य समाज पिछले करीब 22 सालों से लगातार अलग अलग जगहों पर गुरुकुल चला रहा है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र से पीड़ित बच्चों को दिल्ली में लाकर उन्हें नए सिर्फ पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है, बल्कि वेदाचार भी सिखाया जाता है, जिससे बच्चे शिक्षित के साथ साथ संस्कारी बने और भारतीय संस्कार और संस्कृति को भी भली भांति सीख सके। नॉर्थ ईस्ट भारत की बात की जाए तो सिक्किम राज्य के बच्चे भी आदिवासी क्षेत्रों से काफी प्रभावित होते हैं और वहाँ शिक्षा का अभाव है। ऐसे बच्चों को ही ध्यान में रखते हुए सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा आर्य समाज को जमीन का एक हिस्सा दिया गया, जिससे सिक्किम के गंगटोक में शिक्षा के अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई ना कर पा रहे बच्चों को न सिर्फ शिक्षित किया जाए बल्कि उन्हें वेदाचार की भी शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें बच्चों के रहने के लिए एक भवन निर्माण भी गंगटोक में कराया जाएगा। आज दिल्ली के रानीबाग आर्य समाज गुरुकुल में सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों से भी मुलाकात की और उन्हें अपने भविष्य को निखारने और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आर्य समाज के पदाधिकारी जोगिंदर खट्टर द्वारा जानकारी दी गई कि 1.5 से 2 साल के अंदर उस जमीन पर भवन निर्माण और स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें सिक्किम सरकार भी उन्हें पूरी सहायता दे रही है। न सिर्फ जमीन बल्कि भवन निर्माण कराने में भी सिक्किम सरकार का सहयोग रहेगा और उन्हीं के सहयोग से आर्य समाज मिलकर के बहुत ही जल्द नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए उन्हीं के आसपास सिक्किम के गंगटोक में एक स्कूल और भवन का निर्माण करेगा, जिससे वहां के बच्चे वहीं रह करके अच्छी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर सके। दिल्ली से न्यूज 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। आज आपके गुरुकुल में सिक्किम के देखिए, इनके आने का आज जो प्रयोजन था, सिक्किम क्षेत्र के राज्य के गैंगटॉक में एक बहुत बड़ी जगह आर्य समाज को आदरणीय महामहिम जी के माध्यम से वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने दयानंद सेवाश्रम संघ को वहाँ पर विद्यालय, छात्रावास और योग संस्थान बनाने के लिए उन्होंने वहाँ पर दिया। उनका एक लक्ष्य है कि सिक्किम के जो ऐसा वर्ग जो स्वयं से शिक्षा का खर्चा वहन नहीं कर सकता, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके, सामान्य रूप से प्राप्त कर सके और अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके, इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने आर्य समाज को उस जगह को वितरण दिया, जगह को अलॉट किया हमें और उस जगह की रजिस्ट्री इत्यादि सारी जो है आर्य समाज के नाम पर, दयानंद सेवाश्रम संघ के नाम पर की। और मैं समझता हूँ कि ये उनका विश्वास जो आर्य समाज के प्रति, ये उसके प्रति मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दयानंद सेवाश्रम संघ और आर्य समाज जो हमारा लगभग आज 52 वर्षों से भारत के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में, आसाम हो, नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इत्यादि के सभी जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर शिक्षा का कार्य, आज हमारे वहाँ पर 20 विद्यालय और 100 बालवाड़ियाँ और हमारे लगभग 12 हमारे छात्रावास, ये निर्बाध रूप से चल रहे हैं। और उसी मैं समझता हूँ कि शिक्षा के स्तर को देखते हुए आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राज्यपाल जी ने एक विश्वास व्यक्त किया आर्य समाज के प्रति और हमें इस जिम्मेदारी को दिया कि हम वहाँ के बच्चों को शिक्षित कर सके और वहाँ के बच्चों को योग इत्यादि सिखा सके, वहाँ के बच्चों को हम रख करके एक अच्छे संस्कारित कर सके, इस विश्वास के साथ उन्होंने उस जमीन को हमें दिया। और मैं समझता हूँ कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर रानीबाग आर्य समाज में भी लगभग पिछले 22 वर्षों से, क्योंकि ये मानता हूँ कि यह भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य ही नहीं, ऐसा कार्य करेंगे जिसमें पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश होगा, इसके लिए लोग कार्य करेंगे। साथ ही साथ
समाज में सुधार करेंगे, समाज में फैले हुए अंधविश्वास को दूर करेंगे। और इस पर कई कार्य करते हुए नॉर्थ ईस्ट में वहाँ जा करके पुनः उस नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैदिक भावना का, भारतीय संस्कृति का इस प्रकार का उजागर करेंगे, यह मैं आशा करता हूँ। आर्य समाज जिस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहा है वो कितना सराहनीय है और उसमें आपने किस तरीके से सहयोग दिया सर, आज का उद्देश्य? नहीं, ये बहुत ही सराहनीय है, हमारी हम सबों के प्रति शुभकामना है। और जो इस कार्य में लग करके इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि आप बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उसके लिए भी मैं कार्य कर रहा हूँ और कई जगहों पर यहाँ आर्य समाज के लोग नॉर्थ ईस्ट में कार्य कर रहे हैं। और अब अभी इसमें सिक्किम के अंदर में जो मेन शहर है गैंगटॉक, वहाँ पर एक बहुत बड़ा भवन का निर्माण होने जा रहा है। वहाँ के दूर दराज गाँव में रहने वाले गरीब गुरबा आदिवासी सभी छात्रों के लिए वो एक छात्रावास बनेगा, स्कूल बनेगा। और वहाँ पर इस प्रकार करते हुए वहाँ अनेकों प्रकार का अच्छे ढंग से कार्य आशीर्वाद है, सबों के प्रति शुभकामना है, सभी लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। इस प्रकार आज जिन लोगों ने इस कार्य का भार उठाया है और जो इस कार्य को कर रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के बच्चे बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा तो जो मिलता है लेकिन आदर्श शिक्षा, गुणवान शिक्षा, जिससे कि जीवन बन सके, ऐसी शिक्षा दिया जा रहा है। तो सचमुच में जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और मैं उन सभी लोगों को जो दानदाता जो इसमें लग करके सहयोग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। ऐसे तो लोग हजारों लाखों रुपया खर्च करते हैं तीर्थ करने में, कई जगह धर्म स्थल जाने में, मगर उन सबों से बढ़ करके है जो एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जो इस प्रकार के हुनहार बच्चे बच्चियों का निर्माण कर रहे हैं, जो आगे चल करके भविष्य में इस भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होंगे और जिनसे भारत का काफी उत्थान होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।